सो बानॉमल डिस्ट्रीब्यूशन से वी कैन फाइंड आउट और सोल्व प्रोबिलिटी क्वेश्चन बाई अप्रॉक्सीमेटिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल के साथ इसी तरह हम बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हाइपोथिस भी टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम अभी हमने वैसे टेस्टिंग हाइपोथिस की इतनी बात नहीं की लेकिन लेट्स ब्रीफली टच अपॉन इट्स वो बायनॉम्यल को हम यही कवर कर दें और फिर बाकी जो टेस्टिंग हाइपोथिस हम करेंगे उसमें मे भी हम इसको इतना ज़्यादा नहीं करेंगे इसको हम यहीं पर कवर uh, कर लेंगे सो टेस्टिंग हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है जैसे इन्फ्लेंशल स्टेटिस्टिक्स में मैंने आपको बताया है कि हमारी एक तो एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं और दूसरा हमारा टेस्टिंग हाइपोथेसिस है टेस्टिंग हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप पॉपुलेशन के बारे में कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं उसमें से आप डेटा लेते हैं सैंपल लेते हैं उस सैंपल पे डिस्क्रिप्टिव्स लगाते हैं और फिर आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं उस पॉपुलेशन के बारे में जहाँ से आपने सैंपल ड्रा किया है

हम क्या करते हैं कि हम उसमें हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं और हम कहते हैं कि ये 95 परसेंट रीजन जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन है फॉर द नल हाइपोथेसिस और हम कहते हैं कि पॉइंट ज़ीरो फाइव परसेंट हम उसको रखते हैं प्रोबेबिलिटी उसको रिजेक्ट करने की यानी दिस इज़ कॉल्ड रिजेक्शन रीजन जो टेल्स पे है और हम जो बीच में है वो एक्सेप्टेंस रीजन है हम क्या करते हैं कि हम प्रॉबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और हम नाइन्टी फाइव परसेंट टाइम श्योर होते हैं कि ये नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू एक्सेप्टेंस फॉर नल हाइपोथेसिस और अगर हमारी वैल्यू इस टेल के अंदर आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते बल्कि हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस जो है दैट इज ट्रू रादर देन द डू एन एग्जाम्पल ए क्वाइन इज टॉस ट्वेंटी टाइम्स सो एन इज ट्वेंटी लैंडिंग ऑन हेड मोर देन सिक्स टाइम्स आपने ट्वेंटी टाइम्स एक क्वाइन को टॉस किया है And it landed on head more than देन times. so perform a hypothesis test at alpha point जीरो फाइव परसेंट सिग्निफिकेंस लेवल टू सी इफ द कोइन इज बाइस्ड आपको डेटा गिवन है आपने एक क्वाइन को टॉस किया है और सिक्स से ज़्यादा दफा आपका हेड आया है अब आपने ये बनाना है Null hypothesis हमेशा हमारा होता है hypothesis ऑफ नो डिफरेंस हम स्टेटमेंट रिसर्च को शुरू हमेशा नालाइपथिस से करते हैं जहाँ पे हम एक न्यूट्रल स्टेटमेंट देते हैं कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू और क्वाइन इज़ नॉट बाइस्ड क्वाइन इज फेयर और वट एवर सो इट्स अ न्यूट्रल स्टेटमेंट नाल हाइपोथिस और उसके अगेंस्ट हम अपना रिसर्च हाइपोथिस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्वाइन इज बायस इन फेवर ऑफ टेल्स राइट क्यों क्योंकि आपने कहा है कि वहाँ पे टेल्स ज़्यादा आ रहे हैं खैर आप इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए इसी तरह हम अपने रिसर्च के अंदर भी हाइपोथेसिस बनाते हैं नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और फिर इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम कोई भी स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं वो जी टेस्ट भी हो सकता है वो टी टेस्ट भी हो सकता है यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट कर रहे हैं सो so, आपने हमेशा आपका क्वेश्चन ये है कि अगर तो क्वाइन फेयर है तो इसका मतलब है कि आपका जो वैल्यू है वो इसी एरिया के अंदर आएगी यानी जो आपकी प्रॉबिलिटी की वैल्यू है पी वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो लेस होनी चाहिए पॉइंट जीरो फाइव से अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लेस देन पॉइंट जीरो फाइव होगी तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड और अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेटेड वैल्यू इस एरिया में फॉल करेगी तो इसका मतलब है कि हमारा नल हाइपोथिस ठीक है वी विल फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथिस सो लेट्स कैलकुलेट द प्रोबिलिटी एंड सी के वो कहाँ पे लाई कर रही है सो अगेन इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि आपने क्वाइन को ट्वेंटी एन गिवन है और आपको पी और क्यू भी गिवन है पी कितना होगा ऑफ कोर्स अगर आप क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो वन बाय टू है और क्यू भी इसमें वन बाय टू होगा सो एन इज ट्वेंटी पी इज वन बाय टू एन क्यू इज वन बाय टू फर्स्ट ऑफ ऑल मीन कैलकुलेट करनी है आपने मीन इज इक्वल टू एन पी विच इज इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू विच इज इक्वल टू टेन इसके बाद आपने स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन कैलकुलेट करनी है विच इज इक्वल टू एन पी क्यू अंडर रूट विच इज इक्वल टू ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वन बाई टू अंडर रूट विच इज इक्वल टू आप करके देख लें मेरे खास से टू पॉइंट टू फोर आता है मैंने कैलकुलेट किया है अब आपके पास मीन भी आ गई है स्टैंडर्ड एविएशन भी आ गया एक्स की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए जेड कैलकुलेट करने की उसने क्या कहा है लैंडिंग ऑन हेड मोर देन सिक्स टाइम्स सो मोर देन सिक्स का मतलब है कि अगेन आई हैव टू ड्रॉ आ डिस्ट्रीब्यूशन हेयर और मोर देन सिक्स देखें जब तक आपने मीन कैलकुलेट नहीं ना की आप उसमें एरिया ड्रॉ नहीं कर सकते पहले आपको मीन कैलकुलेट करना बड़ा जरूरी है जो कि टेन आ गया है सो मोर देन सिक्स का मतलब है कि सिक्स इस साइड पे आएगा और मोर देन सिक्स का मतलब है कि ये सारा एरिया हमने फाइंड आउट करना है इस सिक्स के लिए मुझे जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट right? तो इस सिक्स के लिए जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगी सो आई विल से सिक्स पॉइंट फाइव इसको कंटिन्यूस कर देंगे क्योंकि आपका एक्स है तो मैंने बताया कि इसको कंटिन्यूस करना है हम मीन लिखेंगे डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एवियशन जो हमने निकाली है टू पॉइंट टू फोर प्लाग इन द वैल्यूज सॉल्व इट जेड की वैल्यू आ गई वन पॉइंट फाइव सिक्स नेक्स्ट क्या करेंगे एरिया फाइंड आउट करेंगे यू विल लुक अप इन द टेबल वन पॉइंट फाइव सिक्स के करस्पॉन्डिंग एरिया देखेंगे कि वो कितना है अच्छा हमने उसको एरिया फाइंड आउट किया है तो वो एरिया हमारा जो निकला है दैट इज़ आई डबल चेक इन द टेबल विच इज़ इक्वल टू दिस एरिया इज़ पॉइंट फोर फोर ज़ीरो सिक्स अब हमने क्या देखना है हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस कर रहे हैं और हमने कहा था कि अगर इन टेल्स के ऊपर वैल्यू आ जाए पी वैल्यू प्रॉबलिटी तो इसका मतलब है कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा लेकिन अगर हमारी वैल्यू बीच में आती है तो इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा आप इसमें बजाय मीन से जी की वैल्यू देखने के वी कैन फाइंड आउट टेल वैल्यू इस टेल की वैल्यू यानी जो इस टेल की वैल्यू है हम वो फाइंड आउट कर लें बजाय इसके तो इस टेल की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट फाइव है वैसे तो हम इनको प्लस करके भी कर सकते हैं लेकिन आपका ऑलरेडी कॉलम सी के अंदर उन्होंने आपकी टेल की वैल्यू दी हुई है विच इज़ इक्वल टू पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन फोर दिस इज़ द टेल वैल्यू ये आप टेल वैल्यू वैसे निकाल भी सकते हैं कैसे कि अगर आप पॉइंट फाइव और पॉइंट फोर फोर जीरो सिक्स को प्लस कर लें विच इज़ इक्वल टू पॉइंट नाइन फोर ज़ीरो सिक्स और इसको वन में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपकी ये वैली वैल्यू आ जाएगी सो so, अगर पॉइंट नाइन फोर ज़ीरो सिक्स को मैं वन में से माइनस करूंगी तो ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट जीरो फाइव नाइन फोर इसको मैं क्लियर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सो इट इज पॉइंट जीरो फाइव नाइन फोर विच इज दिस सो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि अगर हमने कहा था कि p की वैल्यू अगर स्मॉलर है पॉइंट जीरो फाइव से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा ये हमने लिखा हुआ है right? राइट लेकिन हमारी p की वैल्यू क्या आई है हमारी p की वैल्यू आई है

कि कॉइन बायस्ड नहीं है कॉइन इज फेयर लेकिन अगर ये वैल्यू पी वैल्यू से छोटी आती तो फिर हम डेफिनेटली कहते कि कॉइन बायस्ड है सो so, इसी तरह हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में और भी बहुत सी डे टू डे लाइफ में हमारी एवरीडे लाइफ में हमारी सोशल इश्यूज में व्हेन यू विल कंडक्ट अ रिसर्च व्हेन यू थिंक कि आपका आउटकम वेरिएबल जो है वो कैटेगोरिकल है उसकी दो पॉसिबल आउटकम्स ही हैं और आप ख़ुद भी बना सकते हैं आप किसी भी कंटिन्यूस वेरिएबल को भी बाइनोमियल बना सकते हैं बाय ब्रिंगिंग दैट वेरिएबल इन टू टू कैटेगरीज ओनली जैसा अगर आपके पास रनिंग स्कोर है एंग्जाइटी के ऊपर आप हाई लो कर सकते हैं अगर आपका स्टैट्स के टेस्ट के ऊपर स्कोर है तो आप पास फेल कर सकते हैं अगर आपका और भी कोई एक्सपेरिमेंट है तो आप उसको टू कैटेगरीज में ला उसका मीन और स्टैंडर्ड डिविजन निकाल के आप उसका जी फाइंड आउट कर सकते हैं ना सिर्फ़ आप उसमें पापुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं बल्कि आप प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और आप टेस्टिंग हाइपोथेसिस भी कर सकते हैं कि किसी भी हाइपोथेसिस को आप थ्रू बाइनोमियल टेस्ट कर सकते हैं और अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू पी वैल्यू पॉइंट ज़ीरो फाइव से छोटी आ जाएगी तो हम फिर उसके मुताबिक अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे